बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। उसमें उन्होंने कहा है कि डिफरेंट एंगल्स बनाने हैं 46, 80, 115 और 127 और फिर उनको कहा कि इनको आधा करें। इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि आप प्रकार की मदद से बनाएं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप डी की मदद से बनाएंगे। अच्छा, अब एंगल बनाने का तरीका ये है कि आप पहले एक लाइन लगा लें। मैं पहला वाला करने लगा हूँ जिसमें वो कहते हैं कि 46 डिग्रीज का बनाएं। अब इस लाइन पे ना एक पॉइंट लगा लें, या पॉइंट शायद देख पा रहे हैं, मैं इसे ज़रा मोटा कर देता हूँ ताकि आपको वीडियो में नज़र आए। अब लोगों के पास ना तरह तरह की ये डी होती है। जो मेरे वाली डी है ना, उसमें ये है कि ये एक सेंटर होल दिया हुआ, ठीक है। ये आप देख रहे हैं सेंटर होल है, ये देखें। तो ये होल मुझे जो मैंने डॉट लगाया ना लाइन के ऊपर, उसके ऊपर रखना है। और ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसकी ये लाइनें मैंने एग्जैक्टली अपनी लाइन के ऊपर रखनी है। ये देखें, ये सेंटर होल आ गया। अभी देखें ये गलत है, क्योंकि ये लाइन जो मेरी डी की है वो इसके ऊपर नहीं, तो ऐसे मैं घुमा के इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि 46 का बनाना है ना, तो 46 का एंगल देखें कहाँ पे आता है। ये 40 है, उसके बाद ये 50 है, और 46 का एंगल यहाँ पे आता है। तो मैंने बस ये क्या करना है, कैसे करके यहाँ डॉट लगा लेना, इसको हटा दें, और इस डॉट को और इस डॉट से गुजरती हुई एक मैंने लाइन खींच देनी है। तो ये जनाब मेरा 46 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। अब मैंने इनको आधा करना आप सीख चुके हैं कि आप एक मुनासिब सी लेंथ की वो खोल के ना, प्रकार जैसे ये देखें ऐसे। अब आपके एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये 0 डिग्री एंगल का, ये 46 है, इनकी तसनीफ करनी है। तो फिर आप इधर कंपास रखें और उसके बाद कंपास को इधर करके सेंटर 0 डिग्रीज पे ऐसे, फिर आपने दोबारा एक आर्क लगानी है। तो ये जो पॉइंट आ गया इनका, इसमें से गुजरता हुआ जो आप हाथ खींचेंगे वो 46 के एंगल को तसनीफ कर देगा और ये 23 डिग्रीज का एंगल आ जाएगा। आगे जी आपने 80 का बनाना, डी से एंगल बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कमाल वाली बात नहीं, बहुत ही आसान काम है। बहरहाल बनाता है 80 डिग्रीज। तो मैंने उसी तरह जनाब एक लाइन लगा ली, इस पर लाइन पे एक पॉइंट लगा लिया, पॉइंट पे मैंने डी को सेंटर किया है। 80 का एंगल देखिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 का एंगल यहाँ पे आता। तो इसमें से और इसमें से गुजरती हुई मैं लाइन खींचने लगा हूँ एक, ये मेरा 80 का एंगल है ना। अब मैंने इसकी तसनीफ करनी है, इसको मैं बता देता हूँ कि 80 का एंगल है ना, ऐसे करके 80 डिग्रीज। अब इस जगह सेंटर रख के मैं एक आर्क लगाने लगा हूँ ऐसे। अब दो पॉइंट्स आ गए, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये 0 एंगल वाला, 80 एंगल वाला, इनकी तसनीफ कर दें। तसनीफ करने का तरीका आप सीख चुके हैं, सॉरी बहुत सारे सवालों में किया आपने। ये पॉइंट आपके पास आ गया, इसमें से इधर से और इधर से गुजरती हुई एक लाइन खींच दें ऐसे करके, तो ये आपके पास 40 डिग्रीज का एंगल आ जाएगा। आगे है जी 115 यानी कि 115 डिग्रीज का आपने एक एंगल बनाना। ये देखें, दोबारा से मैंने एक लाइन लगाई, इस बार मैंने 115 डिग्रीज का बनाना। अब मैं एक पॉइंट ले लिया, डी को मैंने इसके ऊपर अपने सेंटर किया। मेरा ये एंगल 115 का ना इधर आता, पेज के बिल्कुल एज पे आ रहा है, मुझे थोड़ी सी लाइन नीचे लगानी चाहिए थी। बहरहाल ये देखें, ये मेरा 115 का एंगल बन गया, ठीक है। अब इसकी तसनीफ करनी है, वही पुराना तरीका, कंपास को इस्तेमाल करें, ऐसे लाइन लगाएं, आर्क लगाएं। अब जो दो पॉइंट्स आए हैं उनकी तसनीफ कर दें
ऐसे, और फिर इधर रख के ऐसे, तो आपके पास ये जो आ गया पॉइंट, ये 115 का आधा होगा, तो ये आ गया एंगल 115 का आधा क्या होगा, 57.5, हाँ इन 57.5 दिया था, 57.5 डिग्रीज। और लास्ट वाला है 127 का, कोई मसला नहीं है, 127 डिग्रीज। तो ये देखें एक लाइन लगाएं, ठीक है, उस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट को मैंने फोकस कर लिया अपनी कंपास के ऊपर। ये जी देखें, आपको शायद वाज़े नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मेरा 127 का एंगल यहाँ पे आता, तो आप इसको इससे मिला दें, ये आपका 127 डिग्रीज का एंगल बन गया। अब आपने इसकी तसनीफ करनी है, वही पुराना आजमूदा तरीका, इसको यहाँ पे फोकस करें, नॉट फोकस पर सेंटर करें, ऐसे लगाएं जो कि दोनों लाइनों को कट करें। बाद में आप इस पॉइंट पे फोकस करके, सॉरी सेंटर करके ऐसे एक लगाएं और ऐसे लगाएं। अमूमन जब आप इन पहले आपने जो ये लगाई थी ना, उसके बाद जब आपने अगली तसनीफ करी, अमूमन थोड़ा सा ना प्रकार को खोल लेना थोड़ा सा बेहतर होता, खोलने से थोड़ा सा बढ़ा लेना। अब आपका ये जो पॉइंट आ गया, इसमें से और इसमें से गुजरती हुई लाइन लगा दें, तो ये आपका एंगल जो आता है ना वो 127/2 आता है, यानी कि ये आएगा 63.5 डिग्रीज। हाँ जी, मेरा ख्याल यही बनता। तो इसके साथ ही ये सवाल भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगले वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।